बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, मैं जा रही हूँ गोवा। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आप लोगों के साथ अपने सारे ब्लॉग शेयर करूंगी। सो बस हम लोग निकलने वाले हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, कैब आने वाली है और सब कुछ हमारा, सब लगेज वगैरह सब पैक है। और लास्ट मोमेंट में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, याद आती हैं, अरे यार ये तो नहीं रखा, ये नहीं रखा। सो बस वही सब चल रहा है और बस हम लोग चलने निकलने वाले हैं। और ये आंश, हेलो बोलो आंश। हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ? गोवा जा रहे हो? गोवा जा रहे हो? गोवा। सो गाइस निकलते हैं, बस मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोगों को लगे हैं और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा खाया है यहाँ पर। अपना लगेज वगैरह उन्होंने कलेक्ट किया पहले और उसके बाद हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। अब हमारे फ्लाइट में आधा घंटे का टाइम है तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और आज हाँ, मेरे 2 भाई आए हैं मेरे साथ और शिवा ये बैठे पीछे। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी कि हम कौन कौन आए हैं। तो मेरे भाई आए हैं दोनों और मैं और शिवा और अयांश, हम लोग जा रहे हैं गोवा। तो अभी बीच में ना मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा रश है आज एयरपोर्ट पे। सैटरडे है ना, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ शूट। एनीवेज मैं आपसे अब गोवा पहुँच कर मिलती हूँ या फिर थोड़ा बहुत फ्लाइट में दिखाऊंगी आपको, जैसे भी बहुत बहुत पता है क्योंकि अयांश को भी लेना होता है ना, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। सो ओके गाइज, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखो अयांश कर रहा है मज़े एयरपोर्ट पे, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है। अयांश उधर नहीं जाना। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गोवा और इस अभी हम लोगों ने टैक्सी की है और हम लोग जा रहे हैं अपने होटल। यहाँ से 1 घंटा लगेगा। सो रात के बज गए हैं, ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। सो अब मैं आपसे होटल में जाकर मिलती हूँ क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है और अब जल्दी जल्दी से पहुँच जाएँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और 2-2.5 घंटे हम लोग फ्लाइट में थे और एक साथ एकदम से ऐसे बैठे रहना ना, बहुत ज़्यादा पैरों में भी दर्द हो गया और फिर अयांश भी था। तो बस चलिए मैं मिलती हूँ आपसे होटल में जाके। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं होटल में और इतने ज़्यादा थके हुए हैं कि बस मैं क्या ही बोलूँ आपको, रात के 1:30 बज रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं ट्रैवलिंग में। और देखो अयांश ऐसे लेट गया, एकदम सो गया। अभी मुझे इसके कपड़े चेंज करके इसको लिटाना है और ख़ुद भी चेंज करना है। सो गाइस गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस गुड मॉर्निंग। सो गाइस मैं उठ गई हूँ, मैंने सोचा सबसे पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अभी शिवा और मेरे भाई दोनों नीचे ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं, मैं नहीं जा पाई बिकॉज अयांश अभी सो रहा है तो मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने अपना यहीं पर ही मंगवा लिया। और बस अभी तो उठे हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं और निकलते हैं फिर बीच वगैरह के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सब कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए अभी मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, ठीक है?
सो गाइस हियर दिस इज माय ब्रेकफास्ट. मैंने मंगवाया है आलू का पराठा विद चाय और ये कर्ड है जो कि मैं नहीं खाने वाली हूँ. ओके गाइस ब्रेकफास्ट डन. तो मैंने सोचा इतना शुभ आते मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ. सो गाइस आप लोगों को तो पता ही है गाँव में कितनी गर्मी होती है, तो हम लोग इतनी ज़्यादा दिल्ली की ठंड से निकल के आए हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इतनी ज़्यादा कल तो इतना ज़्यादा मतलब टेम्परेचर इतना लो था, आई थिंक 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ था. मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी गर्म जब हम आए और यहाँ पर अगर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है. सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे बिल्कुल भी सर्दी पसंद नहीं. इतने कपड़े कैरी करने पड़ते हैं कि मतलब आधा वेट तो कपड़ों में हो जाता है. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो बस एक्चुअली मैं तो पहली बार ही आई हूँ गोवा. मैं आज तक अभी गोवा नहीं आई. शिवा काफ़ी टाइम पहले मतलब काफ़ी बार आ चुके हैं तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस. खैर हम लोग रात को लेट ही आए थे, मैंने आप लोग को बताया था. हम लोग 1:30 बजे आए थे होटल में. हमने 1:30 बजे चेक इन किया था और हम लोग 3:30 ऐसे ही सोए हैं, सब एक साथ बैठे थे. तो बस अभी हम लोग आज लेट उठे हैं और मैंने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगा लिया था, मैंने आपको बताया था. तो बस अभी नहाते वाते हैं, आयांश उठेगा. मैं पहले उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, आयांश को नहलाऊंगी और उसके बाद निकलते हैं बीच बीच के लिए. तो मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी. आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैं जो इंजॉय करती हूँ या फिर मैं कुछ भी आप लोगों के साथ जो भी कुछ मैं मतलब मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ. सो दैट्स वाई कि आप लोग मुझे देखें, मुझे जानें और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें. और बस चलते हैं बीच बीच पे जाएंगे आज और दिखाती हूँ मैं कौन से बीच पे गए हैं, हमने क्या किया. मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं तो पहली बार ही आई हूँ गोवा. तो मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी लगता है. खैर सो गाइस और ये आ गया आयांश का ब्रेकफास्ट. आयांश पीछे हो जाओ, गिर जाएगा, पीछे हो जाओ. हेलो गाइस, तो हम लोग हो गए रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं बीच के लिए. तो हम कौन से बीच पे जा रहे हैं मैं आपको वहीं जाकर बताऊंगी. सो दिस इज माय आउटफिट. चलिए मैं आपको वहीं दिखाती हूँ जाकर अभी मैं कैसे शूट कर पाऊंगी. और ये मेरे भाई दोनों और आयांश और शिवा जा रहे हैं आगे, आपको दिखाती हूँ. हेलो बोलो. हेलो एंड हेलो. गाइज हम लोग पहुंच गए हैं बीच और जस्ट 1 to 2 मिनट्स का रास्ता था क्योंकि जो होटल के बिल्कुल साइड में मतलब जो होटल में रुकते हैं ना सिर्फ उनके लिए ही ये वाला रास्ता बनाया गया है. तो बहुत ही जल्दी हम लोग आ गए एकदम. हम लोगों ने वही होटल किया था जो बीच के बिल्कुल पास हो. और इतनी तेज धूप है गाइज, बहुत ही तेज धूप है. और ये देखिए मिट्टी, रेड कलर की मिट्टी, सीरियसली. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बीच. चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं. तो आप मिट्टी देखिए और इतनी गर्म हो रही है ना ये. वाओ गाइस व्यू देखिए आप, दिस इज द बीच, ब्यूटीफुल, कितना ज्यादा सुंदर है. सो गाइज अभी हम करेंगे पहले लंच क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं. तो आयांश को भी भूख लग रही होगी, सभी को लग रही है क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था सुबह. और अभी पहले हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं बीच का मज़ा लेते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ खा भी लेते हैं उसके बाद देखते हैं. प्यारा लग रहा है बीच. और अभी थोड़ा बहुत खाया है, अभी तो सब वहीं पर बैठे हैं. मैं थोड़ा सा इधर घूमने आ गई थी, बहुत ही तेज धूप है ना.
गाइस अंश आया झूला झूलने, ये देखिए मैं झूला झूली थी तो अंश मेज चिल्ला रहा है मम्मा झूला मम्मा झूला। सो चलिए अंश को झूला झुलाते हैं। तो गाइस आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, बाद में जब स्किन टैन हो जाएगी तो बहुत ही बुरा लगने वाला है। एनीवेज जब हम गोवा आए हैं तो स्किन तो टैन होने वाली ही है, सो अब उसी से क्या करना, कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो आपकी स्किन ज़रूर टैन होती है। अभी सब लोग कोई नहाना चाहता है कोई नहीं, बट अभी मैं तो नहाऊंगी नहीं क्योंकि मैं कल नहाऊंगी, कल दूसरे बीच पे जाएंगे तो वहाँ पे नहाने का सोच रहे हैं। यहाँ पर कल हम बाघा बीच जाएंगे, आज हैं हम कैंडोलिम बीच। और वैसे गाइस मुझे नहाते ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं। रोशनी कम है क्या? सो ये है मेरे दोनों भाई, ये है मेरे दोनों भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा इतराते हैं। नहीं हम इतराते नहीं, हम है। और वो रहा अंश, अंश का बहुत मन कर रहा है नहाने का। अंश बाबा कह रहे हैं मम्मा नहाई नहाई, उसको पानी से इतना ज़्यादा प्यार है, इतना नहाना उसको पसंद है बहुत ज़्यादा। एनीवेज गाइस अभी तो फिलहाल तो यही चल रहा है, थोड़ा सा आगे जाती हूँ यार, बहुत डर लगता है। मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, आई नो बहुत लोगों को नहाना पसंद होता है बट मतलब ठीक लगता है मुझे, बट ऐसा लगता है ना कि जब रेत पानी पैरों से छूटता है तो ऐसा लगता है गिर ना जाए। तो पानी पास जाना है, नहीं जाना पानी पास। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अभी होटल में और बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। एक्चुअली मैं अपना फ़ोन वहाँ पर नहीं लेकर गई थी क्योंकि मैं पूरी गीली हो गई थी तो फ़ोन भी गीला हो जाता इस वजह से, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और खूब मज़े किए, खूब नहाए। और देखिए अंश, अंश अंश चिप्स खा रहा है बैठ के। हेलो हेलो, और अभी हो गई हूँ पूरी गीली तो बस अभी चेंज वेंज करने जा रही हूँ। ये रहे मेरे पति देव। अंश कहाँ जा रहे हो, रुको। सो बहुत ही मजा आया और शिवा का तो पूरा मन था कि मुझे वहां बीच समुद्र में छोड़ के आने वाले थे ना, पीछे ले गए मुझे और मेरे पैर में किसी ने काट भी लिया। बस अब यही था, आज बहुत मजा किया। अभी तो रूम में आए हैं, देखते हैं शाम का क्या प्लान है, तो जैसे भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं ज्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वहां पर फिर शिवा भी कहते हैं कि यार तुम तो सारा मजा खराब कर रही हो, फोन हाथ में लेके सिर्फ व्लॉग ही बनाती रहती हो, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगी आपको थोड़ा थोड़ा। सो फिलहाल बस मैं चेंज वेंज करके आती हूँ और अभी जो मेरे भाई हैं राजा रिकी वो दोनों अपने रूम में गए हैं, चेंज वेंज करके आएंगे, वो भी पूरे गीले हो गए हैं। सो बस अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज बीच में एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग वहाँ से आके सो गए थे, मैं भी सो गई थी, अंश भी, शिवा भी और दोनों मेरे भाई भी, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, तो शूट भी अगर थी तो अभी बज रहे हैं 9:30 के आसपास हो रहे हैं रात के, तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। तो बस अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम लोग कहाँ डिनर करने जा रहे हैं। गाइज आई एम रेडी, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने और बस चलते हैं। रूम तो बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है। खैर चल, एक्चुअली मेरे ना पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। एक्चुअली हम लोग ना बीच पे नहा रहे थे तो शिवा मेरे को कुछ ज़्यादा ही अंदर ले गए, मुझे हल्का हल्का डर भी लग रहा था बट चलो कोई बात नहीं। और अचानक से पता नहीं मेरे पैर में क्या आया, मुझे लगा पता नहीं किस चीज़ में मेरे काट लिया, तो मैंने जैसे ही पैर पीछे किया तो हल्का सा झटका आ गया और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अब देखती हूँ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, भूख वगैरह लगाई है, नहीं तो अभी मैं मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी मुझे, थोड़ी सी पैर में दिक्कत हो रही है, अदरवाइज तो सब ठीक है। सो मैंने पहनी ड्रेस, अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने पहनी ये वाली ड्रेस, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। एक्चुअली ये इतना ही मिरर है तो इसमें इतना ही आ पा रहा है।
गाइस बस यहाँ से थोड़ी सी ही दूर है जहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। मेरे पैर में सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मैं सबसे पहले तो दवाइयाँ लेती हूँ। ऑब्वियसली मेरे पैर से चला नहीं जा रहा अभी, तो आज तो फर्स्ट डे ही है, बाकी 5-6 दिन बचे हुए हैं, मैं उनको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। सो इस वजह से गाइज हम लोगों ने कर लिया है डिनर और बहुत 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 इन्जॉय किया। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ हैं, इतने अच्छे सॉन्ग, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा डिनर, खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मेरे पैर में थोड़ा सा आराम है, बस मैंने मेडिसिन ले ली है केमिस्ट से और अब मैं जाकर ले लूँगी। और अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि 12 बज गए हैं और बंद होने वाला रेस्टोरेंट, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आया सीरियसली। बस अपना गाइज हम लोग आ गए और चेंज वेंज कर लिया है, तो ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं, सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो बस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैं मेडिसिन लेकर अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि मेरे पैर में ना अभी भी दर्द है, तो इस वजह से। सो गाइज गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। सो गाइज अभी हम लोग सब तैयार हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं बाघा बीच, तो चलिए आप लोगों को बाघा बीच घुमा कर लाती हूँ। सो अभी मेरे पैर में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें थोड़ा सा चोट लग गई थी, तो अभी थोड़ा सा ठीक है, बट अभी भी बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। इस वजह से हम लोग काफ़ी लेट भी हो गए हैं क्योंकि मेरे पैर से उठा ही नहीं जा रहा था। खैर जैसे तैसे करके मैंने धीरे धीरे चल के मैंने आंच को नहलाया, मैं खुद रेडी हुई। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं स्कूटी वगैरह करेंगे क्योंकि यहाँ से आई थिंक 4-5 किलोमीटर दूर है बाघा बीच, तो बस स्कूटी से चले जाएंगे, गाड़ी वाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं दूर घूमने जाएंगे तो मे भी हम लोग गाड़ी में भी। और तो चलिए बाघा बीच, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब कुछ, मैसी हुआ पड़ा है, रूम भी क्लीन कराना है, तो और मैंने पहने हैं जंपसूट जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा मिरर नहीं है जो कि मैं पूरा आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो ठीक है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में, और अभी निकलते हैं हम लोग बाघा बीच के लिए। सो गाइस पहले हम ले रहे हैं स्कूटी और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कूटी पे बाघा बीच। यहाँ पर चल रहा है स्कूटी, रेंट पे ले रहे हैं यहाँ पे। स्कूटी पे बैठो। सो गाइस स्कूटी हम लोगों ने पार्क कर दी है और हम लोग आ गए हैं बाघा बीच, तो सामने ही है, हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। और आयांश सो गया है, मेरे बाल दिखाने जा रहा है। मैं तुझे क्या कह रहा था, बाल नहीं चली, मेरा ब्लॉग चल रहा है। अगर तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको वहाँ पर। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअली मैं कर भी नहीं रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 6-7 डेज के लिए हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिखाऊंगी ना तो ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ, 2-3 दिन का एक ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि डेली दिखाने को फिर वही बीच बीच ही होते हैं ना, तो मैं सोचूँ कि 2-3 दिन एक ब्लॉग में मैं कवर कर लूँ, तो आई थिंक वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बस मैं बहुत ही छोटी छोटी, मतलब सब चीज़ें बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी मैं शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। हाँ गाइस बहुत सुंदर, चलिए आपको बीच दिखाते हैं।
सो गाइस हम लोग होटल में आ गए हैं और ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं बिकॉज शिवा बीच में आए तो उनके सारे कपड़े गीले हो रहे हैं। आंश में मिट्टी में खेल रहा था तो आंश के भी मैं कपड़े चेंज करूंगी और उसके बाद हम लोग चेंज वेंज करके। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं टीटोज, तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं किसी और से वीडियो बनाऊंगी तब दिखेगा। और ये रहे मेरे भाई, तो टीटोज सिर्फ मैं और शिवा जाएंगे और बाकी ये लोग दोनों और आयांश बीच पे रुकेंगे इतना। तो चलिए टीटोज घुमा के लाती हूँ। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं होटल में और अभी रात के 2 बज रहे हैं। बस मैंने आकर चेंज वेंज किया है और मैंने आपको बताया था कि हम लोग टीटोज जाने वाले थे, बट जब हम लोग बागा बीच पहुँचे वहाँ का बहुत ही सुंदर, मतलब अलग ही माहौल था। तो मेरा तो मन ही नहीं किया टीटोज वगैरह जाने का क्योंकि वहाँ पर इतना लाउड म्यूज़िक और इतना अच्छा डांस वांस, इतना बढ़िया, बहुत ही सब कुछ अच्छा था। तो फिर हम लोग वहीं पर ही रुके रहे 3-4 घंटे, हम लोग वहीं रुके, वहीं खाया पिया, इंजॉय किया, डांस किया। तो बस हम लोग वहीं रुके और अब वहीं से ही हम सीधा अपने होटल में आए हैं क्योंकि अब बज रहे हैं रात के 2 बजने वाले हैं। हम लोग 1:30 बजे आए थे और बस मैंने चेंज किया है, आंश सो गया है। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक तो वहाँ पे लाउड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था तो मैं वैसे कुछ बोल नहीं पाती, और कोई मतलब मैं पर्टिकुलर सॉन्ग भी आप लोगों को मुझे म्यूट ही करना पड़ता क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। तो इस वजह ओके गाइज, अब मैं करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पर एंड और कल मॉर्निंग से मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।